साइंस हमें ये बताती है कि जब भी आलाते पैदावार तब्दील होते हैं तो मात्रा तब्दील होती है। आलाते पैदावार की तब्दीली से ही माशरे में तब्दीली आती है। तो ये जब मशीन आई और मशीन के साथ सरहदें लगना शुरू हुई तो बरतानवी माशरे में बुनियादी तब्दीली आई। एक तो सनत का मतलब ये हुआ कि उसमें खानदा लोग चाहिए, वो लोग जो तालीम याफ्ता हों। सनत में बगैर पढ़े लिखे लोग और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के अलावा मुमकिन नहीं, तो उसके नतीजे में तालीम फैली और अर्बनाइजेशन हुई, शहर बने और जो छोटे शहर वो बड़े शहरों में मुंतकिल हुए। ऑर्गेनाइजेशन हुई और फिर एजुकेशन का लेवल बढ़ा और ये मर्दों में भी बढ़ा और खवातीन में भी बढ़ा, क्योंकि उन्हें अपराधी हुआ चाहिए। और फिर माशरे में मिडिल क्लास पैदा हुई। इससे पहले जो माशरा था उसमें या तो अमीर तबकात थे या गरीब तबकात थे, मगर ये मिडिल क्लास जो है सनती इंकलाब के नतीजे में पैदा हुई और मजदूर तबका भी सनती इंकलाब के नतीजे में पैदा हुआ। इससे पहले मजदूर तबका इस तरह नहीं था, तो वो जो मजदूर थे वो या तो गुलाम थे या किसी तरह की सूरत हाल में थे, मगर इस तरह मजदूर तबका पैदा नहीं हुआ। तो ये जो बरतानवी माशरे में तब्दीली आई उसके नतीजे में लोगों को ये एहसास पैदा हुआ कि रियासत जो है जिस पे बादशाह और चर्च का गलबा है और रियासत के जो सल्तनत कहलाती है किंगडम, उसके सारे वसाइल जो है वो तो बादशाह और जज के खर्च होते हैं, तो हमारा भी कुछ हिस्सा होना चाहिए। तो ये जो हिस्से का शऊर था इसके नतीजे में सियासी जमातें बनी, इसके नतीजे में अखबारात निकले और अखबारात ने एक लड़ाई लड़ी सियासी जमातों ने, बाशऊर लोगों ने, अखबारात ने रिवायत से इनकार किया सल्तनत के बयानिए से। यूं एक बड़ी तब्दीली आई, मैग्ना कार्टा माहिदा होगा बरतानिया में, जिसके नतीजे में बादशाह और जज के इख्तियार महदूद हो गए और पार्लियामेंट के इख्तियार बढ़ गए। ये जो पार्लियामेंट के इख्तियार बढ़ गए तो फिर जमहूरियत का तस्वूर जो है वो हकीकी सूरत इख्तियार करने लगा। इससे पहले जमहूरियत का तस्वूर नहीं। फिर एक और अहम बात यह हुई जमहूरियत के साथ कि इख्तदार की पुरमन मुंतकली का तरीक़ेकार इंसानों ने। इससे पहले अगर हम दुनिया की तारीख देखें, खाब हो ईसाइयों की हो यहूदियों की हो उन कबाइल की हो जहाँ मजहब नहीं पहुँचा था, या मुसलमानों की हो, उसमें इख्तदार की पुरमन मुंतकली का तरीक़ेकार नहीं था। ये तरीक़ेकार जो है जमहूरियत के तहत आए, तो उसके नतीजे में सोसाइटी रियासत की तीन नई शक्लें बनी। एक नई जदीद रियासत का तस्वूर आया, वो ये था कि जदीद रियासत पे आवाम की बालादस्ती हो। अच्छा, अब ये हुआ कि टर्मिनोलॉजी भी तब्दील हो गई। पहले जो है रियायत, रियायत का मतलब है रैयत, इताअत करने वाला, अब अवाम का दस्तूर आ गया पीपल, अवाम। अवाम का मतलब ये है कि हुक्मरान अवाम के सामने हुआ। तो रियासत की नई तश्कीलें न हुई और रियासत के तीन बुनियादी सुतून तय हुए, इंतजामिया, मुकरना और अदलिया, यानी इंतजामिया पार्लियामेंट और अदलिया, कि ये तीन सुतून हैं। अवाम जो है वो पार्लियामेंट का इंतखाब करेंगे और पार्लियामेंट में जिसकी अक्सरियत होगी वो हुकूमत बनाएगा, और अदलिया जो है वो पार्लियामेंट के बनाए हुए आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करेगी। उसके साथ एक नया तस्वूर भी आया कि ये तीन इदारे तो है, तीन सुतून तो है, मगर इन तीन सुतूनों के बारे में मॉनिटर ने कहा एक चौथे सुतून को होना चाहिए। यू मीडिया का जो फोर्थ स्टेट का तस्वूर आया कि मीडिया जो है गैर रस्मी तौर पर फोर्थ स्टेट है और उसका काम यह है कि इन तीनों सुतूनों के एहतसाब करे। और वो इसलिए आया कि जब ये बात हकीकत का रूप इख्तियार कर गई कि आवाम को अपने हुक्मरानों को मुंतखब करने का हक है, तो ये भी एक तस्वूर आया कि आवाम को रियासत के हर मामले के बारे में जानने का, यू राइट टू नो का तस्वूर आया।
राइट टू नो का मतलब यह है कि जहां पे भी रियासत का पैसा खर्च होगा, आवाम के टैक्स का पैसा खर्च होगा, उसके बारे में आवाम को जानने का हक। और इस तस्वुर को यूं भी तरबियत मिली कि अगर आवाम को जानने का हक नहीं होगा अपने हुक्मरानों के बारे में या वो लोग जो हुक्मरानों की मुखालफत कर रहे हैं, तो फिर वो सही फैसला कैसे किया। तो यू राइट टू इंफॉर्मेशन आया कि दो बुनियादी इस्तेलाह हमारे आई जमहूरी दौर में, राइट टू नो यानी जानने का, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी इत्तला का। तो ये राइट टू नो और राइट टू इंफॉर्मेशन जब आया तो फिर एक नया तस्वर आया कि अखबारात पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी है, अखबारात को मुकम्मल तौर पर आजाद होना चाहिए। लिबरेटेड थ्योरी हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है और ये वहां बरतानिया में और यूरोप में आई, अमरीका में भी आई। यूरोपीय मार्केटों की और अमरीकी मार्केटों की एक खसूसियत यह है कि वहां रिसर्च मुस्तकिल होती है, तहकीक होती है और उसकी बड़ी दास्तान है, उन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी और कुर्बानियां दी हैं गुरुजियों जैसे लोगों ने अपनी तहकीक के लिए जाने। तो जब अखबारात में पाबंदी तय हो गया कि अखबारात हो जाएंगे तो फिर उसके नतीजे में एक बिगाड़ की सूरत हाल आने लगी के अखबारात उन लोगों ने निकाल लिए जो माफिया इजादारी का कसूर आ गया माशरे में कि स्टील के कारखाने वालों ने डबल रोटी के भी फैक्ट्रियां लगा ली और घी की भी फैक्ट्रियां लगा ली और अखबारात भी निकाल ली। तो माहरीन ने ये कहा कि जनाब अब इनके खिलाफ तो छप ही नहीं सकता क्योंकि अखबारात भी इन्हीं के, बाकी माशरे की सारी चीजें इनपे है, इनकी मर्जी स्टील की उन्होंने लोगों ने कहा कि इसके नतीजे में जो जमहूरियत का जो सफर है वहां आप तक नहीं पहुंचा, वो तो एक ग्रोह तक महदूद हो रहा है। तो ये इस पे अखबारात का अहम रोल है, अखबारात की जो पॉलिसी है उस पर तब्दीली होनी चाहिए। तो फिर एक नया नजरिया आया, वो ये था कि अखबारात भी सोशल इंस्टीट्यूशन समाजी इदारा है, माशरे की डेवलपमेंट में समाजी इदारे वो होते हैं जो माशरे के इर्तका में, माशरे की पॉजिटिव तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। जो सबसे पहला समाजी इदारा है वो खानदान। खानदान अब भी आज के दौर में अगर खानदान में मामला सही हो गए तो बच्चे की शख्सियत जो है वो ठीक होगी। अगर खानदान किसी भी तरह ब्रोकन खानदान होगा तो वो फिर प्रॉब्लम रहेंगे और कहेंगे। इसी तरीके से मदद इदारे, मदद इदारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो इंसान को मदद के बारे में सिखाते हैं। तो ये कसूर है कि मदद इदारे होंगे और बेहतर होंगे तो लोग ज्यादा दैनिक तौर पर उनके अमल में बेहतरी होगी। इस तरह सेहत के इदारे, तालीम के इदारे, तो ये कहा गया कि अखबारात जो है इतने ही मुकद्दस है जितना ये बाकी इदारे। और अखबारात पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होगी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की थ्योरी आई और उसके साथ क्या है कि अखबारात को एक ये ठीक है कि मुकम्मल आजादी है मगर उनकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है उन्हें लोगों की जो राइट ऑफ प्राइवेसी है, राइट ऑफ प्राइवेसी जो है उसको पामाल करने का नहीं है। और ये तस्वूर आया कि जिस शख्स के जाती मामला हैं उसको आप उजागर नहीं कर सकते और उसके साथ ही हितक इज्जत के कवानीन बनने लगे। हितक इज्जत के कवानीन आए कि अगर अखबार में कोई गलत चीज शायद होती है तो फिर किसी भी शख्स को चारा मिलेगा। तो यूं अखबार उसमें बहुत ज्यादा डिबेट भी हुई और आज तक है कि राइट ऑफ प्राइवेसी जो है सेलिब्रिटीज को नहीं, जो सियासतदान होते हैं, जो खिलाड़ी हैं, फनकार हैं, उनके बारे में आवाम को जानने का हक है तो उनकी जाती जिंदगी नहीं होती। मतलब ये डिबेटेबल बात है, इस पर बहुत ज्यादा वो है कि किस हद तक आजादी हो कि आप उनके बेडरूम की तस्वीरें शायद करते हैं, बहुत ज्यादा हुआ। तो खुद हमारे इमरान खान के साथ होता रहा एक जमाने में, अब तो खैर वो
साले और मदीना की रियासत किसको पब्लिसिटी करते हैं, जब वो ब्लैक व्हाइट थे तो उनकी बहुत सारी चीजें इस तरह छपती रहती थी। तो उसमें भी अभी तक डिबेट है कि किसी तौर पे भी इस पर फैसला करना पड़ेगा आपको कि कहाँ तक आप प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं और कहाँ तक आप प्राइवेसी जो सेलिब्रिटीज है उससे अलहदा होकर कुछ मवाद पेश कर सकते हैं। और इसके नतीजे में खासी यानी डिबेट हुई तो ये एक कसूर आया बर्तानिया में। उसके बाद ये बर्तानिया का कसूर था, इस तरह हिटलर के दर्द के कवानीन बने और हिटलर के दर्द के कवानीन वहाँ बहुत ज्यादा शफाफ। अभी जो है शहबाज शरीफ ने जो मुकदमा जीता है, जो जीत जाएंगे वो उसकी बुनियाद है उसके ऊपर, कि ये बात तय हो गई कि बगैर सबूत कि आप कोई चीज छाए करेंगे तो आपको जवाब देना होगा। डेली मेल की जो मुश्किल है उसकी वजह वो यही है कि उन्होंने जो छापा शहबाज शरीफ के बारे में परसेप्शन की बुनियाद पर अदालत में जज जज ने सवाल किया कि यह आपने कैसे तसव्वुर किया, तो उन्होंने कहा वो 4000 गज के बंगले में रहते हैं या इससे ज्यादा पे रहते हैं, इसलिए इसका मतलब है उन्होंने पैसे कमाए। तो वो बुनियादी बात यही कि उसके अंदर जो जो आगे आए थी कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है कि उन्होंने गबन किया बरतानी हिंदा और आज सारे डेली मेल और उसका रिपोर्टर मुश्किल में है, उसकी नौकरी जाएगी जो लग रहा है। जिस तरह मजीद की कल भी रात को भी आ रही थी जो वो हिदर हिदर के कानून के बुनियादी उसूल के खिलाफ है। एक अखबार निकलता था 80 में मिलत उर्दू का अखबार था, इनाम अजीज निकालते थे लंदन से, तो वो जमाने में जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के जो पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे उनकी फांसी का केस चल रहा था और चौधरी ज़ुबैर लाई जो थे वो मिनिस्टर बन गए थे। चौधरी ज़ुबैर लाई के बारे में ये कहा जाता है कि वो पहले कांस्टेबल थे, तो खैर वो थे कांस्टेबल, ये भी परसेप्शन था कि उन्होंने इस मदरसे से पैसे कमाए। मिलत अखबार ने वो लंदन आए तो दोनों चीजें छाप दी, उनके एडिटर को पता नहीं था कि बरतानिया का हिटलर के दर्द का कानून कैसा है, उस पर चौधरी ज़ुबैर लाई ने मुकदमा कर दिया। तो खुद इनाम अजीज साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि वहाँ बरतानिया में ना कानून हो गया, वकीलों का निजाम दो सतह का है, एक तो वो होते हैं जो अपने चैम्बर में बैठ के सुनते हैं और केस बनाते हैं और एक वो होते हैं जो अदालत में खड़े होते हैं। तो वो गए सलास्कर के पास, उसने कहा तो उन्होंने कहा कि आपने क्यों लिखा कुछ खास चले, उन्होंने कहा ये तो आम सी बात है थे वो कांस्टेबल, तो उन्होंने कहा इसमें नेगेटिव बात क्या हो गई कि वो कांस्टेबल थे, आपने क्यों उनकी तस्दीक करने की कोशिश की, अगर थे तो क्या बड़ी बात थे। दूसरे ये कि आपके पास सबूत है कि हीरोइन किस्मत की गवर्नर के लिए सबूत तो नहीं है, वो तो पाकिस्तान नाम चलता है, तो उन्होंने कहा कि आप सजा के लिए तैयार हैं, आपको जुर्माना होगा। अच्छा एक और बात ये बता दी है कानून में, अगर कोई आदमी सजा काट ले किसी जो वो सजा काट के आ जाए तो फिर आप उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते, ये नहीं कह सकते कि जनाब अगला आदमी ने हीरोइन के केस में 4 साल सजा काटी या ये कि ये जो है कोई और गबन किया या कतल किया है, तो आप उसको यानी अपनी तहरीरों में या मीडिया के जरिए नहीं पेश कर सकते कि वो कहते हैं जब सजा काट ली तो उसने सजा काट ली। तो ये तस्वीर आया था मीडिया के हवाले से। अच्छा अब हम अगर इधर आए पाकिस्तान की तरफ तो बड़े सदीर में अखबारात का आगाज अंग्रेजों के दौर में हुआ, मुगल दौर तक अखबार नहीं निकलते थे, अकबर बादशाह के जमाने में दरबार में बुलंदेजियों ने प्रेस से छपे हुए मुसौदे पेश किए थे तो उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था कि वो बहुत इतनी गलती और वो अकबर बादशाह में इतनी बसीरत नहीं थी बल्कि पूरे मुगल बादशाहों में नहीं थी, उस्मानिया रियासत के हुक्मरानों की तरह जिन्होंने प्रेस में पाबंदी लगाई, तो उन्होंने तो प्रेस को एक्सेप्ट भी नहीं किया था तो वहाँ अखबार भी नहीं निकले थे। तो ये अंग्रेजों के दौर में अखबार निकलना शुरू हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के उन लोगों ने अखबार निकाले जो आपस के झगड़े के बाद निकाल दिए गए, क्योंकि कंपनी के जो अफसरान आते थे वो यहूद मार के नहीं आते थे तो उनमें काफी चप्पलें रहती, तो पहले इनके सामने अखबार निकाला वो हिंदी गजेट के नाम से हुआ, ये 1780 की बात है, उन्होंने खूब छापा
उस वक्त के अफसरों के खिलाफ और कीर्तिदर्शी के खिलाफ और एक जब हुई कई दफा बंद हुए, अल्टीमेट उनका अखबार बंद हुआ। जब तक सिर्फ अंग्रेज अखबार निकालते रहे जब तक हिंदुस्तान को कानून नहीं आया। ये बात में मकामी जमानों में अखबार निकलने लगे, उर्दू, फारसी, बंगाली, हिंदी, मलयालम। तो वो अखबार अगरचे के बड़े महसूस होते थे, मगर उस जमाने में कंपनी के कंपनी में लड़ाई लड़ रही थी, टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ रही थी, मरठों के खिलाफ लड़ रही थी। तो कंपनी का अकाबरीन को यह एहसास पैदा हुआ कि ये जो मकामी अखबार है ये इसमें जो चीज शायद होती है इससे इनका फायदा हो, जंग के अंदर हमारे लिए मुश्किल हो। तो पहला कानून आया जो परमिट का कानून कहलाता है 1822 का। तो बड़े संगीत में एक पहला कानून आया, उसके अंदर तीन चार बहुत बुनियादी बातें थी और उसमें दो तीन बातें तो 1822 का कानून आज तक चल रहा चला भी आ रहा। एक तो ये थी कि बगैर परमिट के कोई अखबार शायद नहीं होगा, जिसको भी अखबार निकालना उसे परमिट लेना पड़ेगा। दूसरे ये कि अखबार शायद होने से पहले उसे मुताले का अवसर उसको क्लियर करे, यानी सेंसर का कसूर है। तीसरे ये कि अखबार में शायद होने वाले हर मवाद की जिम्मेदारी एडिटर और पब्लिशर की होगी, पब्लिशर और एडिटर का नाम, दफ्तर का पता छपेगा। यह आज तक हो रहा है, एडिटर पब्लिशर की जिम्मेदारी और प्रिंट लाइन होना जरूरी। और ये के इतवार को अखबार भी निकलेगा। तो ये परमिट का कानून जो था ये नाफिज हुआ और ये लाजमी हुआ कि जिस आदमी को अखबार निकालना है वो परमिट ले। एक रिफार्मर थे राजा राम मोहन राय, वो सरसैद अहमद खान से 30-40 पहले 40 साल पहले की बात। तो वो कंपनी की हुकूमत से बड़े मुतासिर थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, कुरान से भी बड़े मुतासिर थे। तो वो समझते थे और उस जमाने में बात की सही थी कि जो जो रियासतें कंपनी के अंडर में थी उनका निजाम बहुत अच्छा था, क्योंकि जहाँ एक सिस्टमेटिक काम करते थे। और जो मुगल बादशाह के पास थे या राजवाड़ों के पास थी वहां तो अफरा तफरी और बर्बादी और ताकत के अलावा कुछ नहीं था। तो उनका ही कसूर था कि ये कंपनी वाले अंग्रेज हमारी भलाई के लिए आए, और वो इंसान को बराबर समझते हैं। अंग्रेज कहते भी थे उन्होंने सत्ती के रस्म के खिलाफ पाबंदी लगाई, ये सारे काम किए कि भाई सत्ती नहीं होनी चाहिए। तो उनके जहन में कसूर आ गया था। तो जब परमिट का कानून, अब एक तो उर्दू का अखबार निकालते थे, हिंदी का अखबार निकालते थे और रिफार्मर के तौर पर निकालते थे, उन्हें बड़ा झटका लगा कि परमिट लेना पड़ेगा और अखबार को सेंसर कराना पड़ेगा। तो उन्होंने वो पहले जब से जिन्होंने लड़ाई लड़ी आजादी सहाबत की, पहले यहाँ कोशिशें की, यहाँ मुकदमा किया, फिर किसी दादा आदमी ने मशवरा दे दिया कि जो बरतानिया की सबसे बड़ी रियासत है अदालत है प्रीवी काउंसिल, वहां जाकर मुकदमा कीजिए। क्योंकि बरतानिया में किसी शहरी को अखबार निकालने के लिए किसी इजाजत ना मिली थी, आज भी नहीं, उस वक्त भी नहीं। वो जो इसराइल के नतीजे में जब सामाजिक जिम्मेदारी का नजरिया आया तो ये बात तय हो गई थी कि अब कोई भी शख्स अखबार निकाल सकता, उसको हुकूमत से इजाजत देने की जरूरत नहीं। तो राजा साहब गए, उन्होंने रिट की कि देखिए हम भी बरतानिया की शहरी हैं, तो ये जब बरतानिया में किसी किस्म की पाबंदी नहीं है तो हिंदुस्तान में क्यों। खैर अदालत ने उनका मौका रिजेक्ट कर दिया और उनकी समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सिटीजन और कॉलोनी के जो शहरी उनके दरमियान फर्क, तो वो हुकूक जो ब्रिटिश सिटीजन को है वो कॉलोनी के लोगों को नहीं दिया, मतलब ये उन्होंने कहा कि गुलामों को वो हक नहीं दिया जा सकता। क्योंकि सबसे एडवांसमेंट जो है या पाकिस्तान की जो और दुनिया के दूसरे ममालिक भी हैं, मगर पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजी दी है ये फ्रांस से, उससे बजाय इसके कि आप रायमा तब्दील करते, रायमा तब्दील नहीं हुई बल्कि वहां की रायमा ये रही और पाकिस्तान की इमेज खराब। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पर समझने के लिए कि ये जो बिल्कुल सही बात है कि वो जो मवाद है वो बिल्कुल जज्बात को नुकसान पहुंचाने के लिए है और नफरत आप देते हैं, इस पर तो कोई बहस नहीं है। उस पर हमारा रिएक्शन कैसे जो है यूरोप और अमेरिका की राय को तब्दील करना, एक तो बात यह है कि हम अमेरिका और यूरोप के बगैर नहीं रह सकते, बिल्कुल तय शुदा बात है। जैसे मैंने कहा तो फ्रांस से ताल्लुकात खत्म हो जाए तो पाकिस्तानी फौज का सबसे ज्यादा नुकसान करते,
तो उसके लिए सोच विचार करने की जरूरत है। उसके लिए दो तीन बहुत बुनियादी बातें हैं। एक तो ये कि आपके मोबाइल में जमहूरियत, पाकिस्तान में मीडिया जो है बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। पाकिस्तान की फौज ने मीडिया के बयानियों को तब्दील करने के लिए बहुत बड़ा बहरान पैदा किया, साफियों को अफवाह दिया जाता है, माजी तौर पे उनको मीडिया के इदारों को खत्म कर दिया गया है। 5,000 के करीब साफी जो है वो बेरोजगार हैं और इससे ज्यादा वर्कर्स बेरोजगार है। फौज के बारे में लिखने की इजाजत नहीं है। आप सियासतदानों को जितना चाहे बुरा कह दें, जनरल सलीम बाजवा के स्टैंडिंग के बारे में लिख सकते हैं। तो वो ईद और तौर पर कभी मदीउल्लाह जान को अगवा कर लिया जाता है, कभी किसी को अगवा कर लिया जाता है। तो ये सब इमेज पाकिस्तान का खराब होता है दुनिया, और पाकिस्तान का जो मौका वो कमजोर होता है। और दुनिया में एक तस्वीर किया जाता है कि पाकिस्तान में क्योंकि फौज ने वो एक रियासत है और उसने कंट्रोल किया हुआ है, जो सारा मामला उनकी मर्जी से होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बहुत जमहूरियत के लिए आजादी साफ तौर जरूरी है कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर जमहूरियत हो और सहाफत आजाद हो, और सहाफत जो है वो जमहूरी तरीकों के मुताबिक काम करे। तो फिर यहां से जो पैगाम जाएगा वो बहुत ज्यादा मौसर हो, और पैगाम में अगर तशद्दुद शामिल हो गया तो कभी भी असर नहीं होगा। इस पर डिबेट करने की जरूरत है कि हमारा ये जो बैन अवी कवानी है उसके मुताबिक रिएक्शन किस तरह का होना चाहिए। हम जज्बाती रिएक्शन करते रहेंगे। आज से 6-7 साल पहले की बात है कि हुकूम हमारे डॉक्यूमेंट्री थी क्या था जिसके खिलाफ जुलूस निकला, और वो एक हमारे उस्ताद थे, उनका भतीजा जो है वो उस जुलूस में बहुत ज्यादा खैर नारे तो लगाना कोई मसला नहीं, वो 3-4 नौजवान बस के छत पे बैठे हुए थे और वो टकरा गए तारों से। वो या ये कि आपने तो इस तरह का बेतहाशा नुकसान आपने अपना किया, और किसी फिरजे के किसी का झगड़ा हो गया किसी कंपनी से, जो आर एंड की कंपनी है उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी यहूदियों की आपने सही करानी शुरू कर दी, और उस पर क्या किसी ने कह दिया कि कार्यवाहियों की है, तो बस वो तो फिर सारा मामले उलट जाए। तो ये जो है ये सारी बातें जो है जब तक इसको हमारे यहाँ गौर नहीं होगा कि आदमी के मजहब की बुनियाद पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो आपका अपना माचरा भी खराब होगा और आपका इमेज भी खराब होगा, और आपका बयानिया है वो नहीं हो सकता। ये ठीक है कि आपका हक है कि आप गालियां नहीं मुसलमान ना माने, मगर उन्हें कतल को ना करें, ये तो कोई जवाब नहीं है। या ईसाइयों को ना करें, आप लाख उस पर बयानिया दे के नहीं हो रहा मगर हो तो रहा है। ये सारा जो है मतलब जरूरी नहीं है कि आप उनसे तालुकात करके ना रखें, आपका हक है अपने तौर पर आप समझते हैं तो किसी का भी दो चार बाइकाट करें, आप अपने खानदान में भी लोगों का दो चार बाइकाट करते हैं, मगर कतल करने का हक तो नहीं है ना। और फिर मीडिया उसे प्रोजेक्ट करे और इस्लाम अखबार हीरो बनाए उन लोगों जो कतल करते हैं, और वो जो एक बैंक मैनेजर को जिसने मारा था उसको जिस तरह हीरो बनाया गया, तो वो तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इमाम साहब जिन्होंने नमाजें जाना रखना पढ़ाई उन्होंने ये सारी बातें की कि भाई इसमें अकल के मुताबिक सोचने की जरूरत है कि ये तशद्दुद का हथियार है, तो आपको किसी को इस्लाम में किसी को कतल करने का हक थोड़ी है। आपने कहां से ये लिया कि आप जिसको जिसके बारे में आप समझें कि वो कादियानी है या जो भी कुछ है आप उसे कतल करना शुरू कर दें। तो ये या ईसाई है कोई भी है एक बाई जेड, तो जब आप इस तरह का माचरा बनाएंगे और आसिया बीवी पे हंगामा शुरू कर देंगे एक कंपनी औरत पे, गवर्नर को कत्ल कर देंगे और उसको हीरो बनाएंगे, तो फिर आपका इमेज कभी ठीक नहीं होगा, आपका निगेटिव इमेज होगा और आपकी अपनी सोसाइटी अपनी रियासत को नुकसान पहुंच जाएगा। ये हमें ये आजादी इजहार का जो मामला है ये तो सही, और बात तो ऐसा महसूस होता है कि यूरोप में बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से पाकिस्तानी मुसलमान के जज्बात को उभारने के लिए चीजें पेश की जाती है ताकि हंगामा हो, एक इशू क्रिएट हो, प्रॉब्लम हो,
उससे तरक्की रुकती और हम उसी तरह ये जैसे इंतजार में बैठे। तो ये जो ये ठीक है, मुमकिन है आपको मेरी बातें ना पसंद आ रही हो या आपका हक है मुझे तो आपके हक के साथ हूँ, मगर ये मेरा वाकफ है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जब तक बेहतर नहीं होगा, जब तक यहाँ जमहूरियत नहीं होगी, आजादी स्थापित नहीं होगी, हर शख्स को बिला तफसील मतलब नस्ल जिस बराबरी का तस्वीर नहीं होगा, जो नहीं है हमारे तो और नहीं होगा, तो हम अपना पैगाम मौसर तौर पर पेश नहीं कर सकते। और जब उसमें सारा फायदा उन काले आत्मा हुकूमतों को होगा, यूरोप की चाहे आप उन्हें यहूदी कहे चाहे ईसाई कहे या जो भी कुछ कहे, जो जब जाते हैं आपके जज्बात कर पाए, ऐसा लगता है कि उसके पास तो लीवर है, जब जाए वो कोई चीज उन्होंने पेश कर दी और उस पर हंगामे शुरू हो गए, और हंगामे होने का मतलब तो तरक्की को रुकना है, तालीम को रुकना है, और फिर वो कुछ अच्छे बात फिर वही हो जाए। अगर आप कोई स्टूडेंट काम करना चाहे तो 8-10 साल में आप मेरा ख्याल 8-10 वाक्यात तो होंगे ऐसे जिसमें बाकायदा कई कई दिन तक जिंदगी मुअत्तल रही। तो ये बुनियादी बात है कि हमारा नैरेटिव कैसा होना चाहिए, और ये बात तय है कि जमहूरियत के अलावा कोई और तरीका नहीं दुनिया में तरक्की का, और जमहूरियत का मतलब ही इक्वल सिटीजनशिप का तस्वीर। बर्तानिया में, अमेरिका, यूरोप में कितनी ही बुराई क्यों ना हो, है उनके माशरे हैं जैसे भी हैं, 12-2 तरक्की कर रहे हैं, कहते हैं लोग कि वो तबाह हो जाएंगे, जब हो जाएंगे तो हो जाएंगे वो, मगर हम कैसे जो है अपनी सोसाइटी को अपने रियासत को बेहतर कर सकते। ये COVID-19 में जो हमारी सोसाइटी का रद्दअमल आया और जिसको मीडिया ने हाईलाइट किया, वो तो बहुत ज्यादा अफसोस था। COVID-19 में जो पाबंदियां लगी SOPs की, चाहे मंदिरों में लगी हो चाहे वहां पारगाहों पर, वो सेहत की वजह से, वो कोई मजहबी या रियासत की वजह से थोड़ी तो आर्थिक बुनियाद होती है। पाकिस्तान दुनिया का वाहि मुल्क है जिसमें हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी ने उसको रिएक्शन पैदा है। और मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि बहुत बड़े आलिमों ने मस्जिद का मुआवजा बाजार से करना शुरू कर, बाजार तो ही अपना तब्दील की जगह, मस्जिद तो सिखाने की जगह। तो ये सब ये जो हमारा मैसेज जाता है इससे हमारा इमेज खराब होता है और हमारा भी नुकसान होता है। और उसमें डॉक्टर मोहसिन नकवी आए थे तो मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई ये शिया ने क्या किया, उन्होंने कहा निराह बेबी जैसे सूरत हाल है अरेब की, उन्होंने भी इसी तरीके से उन्होंने, अब ये इसलिए इसका नुकसान था। तो इस पर हमें समझने की जरूरत है कि ये बैन अवी तरह पाकिस्तान में भी आजादी है सामर्थ्या वाले से, क्योंकि 32 सूरत हाल है, जब तक ये ठीक नहीं होगी मीडिया आजाद नहीं होगा, आईन ठीक नहीं होगा, और जब तक जो है हमारे लिए हम जो भी बयानियां देना चाहेंगे, इस्लाम जो है प्रवन मतलब है, रवादारी का मतलब है, मोहब्बत का मतलब है, तो हम इस बयानी को क्यों ना भूल जाए, और ये हमारे अमल से साबित होगा, हमारे कहने से नहीं होगा, कहने को सभी कहते हैं, मगर जब तक हम अमली तौर पर इस बयानी को मोहब्बत के, रवादारी के, दुनिया के लोगों के साथ अच्छे स्वरूप के बयानियों को अपने मीडिया के जरिए प्रमोट नहीं करेंगे, अपनी सोसाइटी को उस पर तैयार नहीं करेंगे, हमारा मैसेज जो है हमेशा कमजोर रहेगा। और ये जो क्या ताकतें हैं जिनके मन की पकाते हैं पर जब जाएंगे हमारे लिए मतलब वो तो बहुत इस मामले में आगे आप कुछ भी कर रहे हैं वहां पर कभी नहीं होगा, मदद ईसा के बारे में कुछ कर रहे हैं वहां कुछ करा रहे हैं, उन्होंने इस बात को सीख लिया है इससे अपना बुनियादी तारीख आजादी सहाफत की बुनियादी तारीख यह है कि आवाम के हक के लिए आवाम को इतला फराम करने के लिए इतला फराम, और उस आवाम को इतला फराम करने का हक ही यही है कि उससे जमहूरी निजाम जो है कोई भी ऐसा मवाद जो माशरे में तफरीक पैदा करे या मुजरिमों को हीरो बनाए वो आजादी था, या किसी का कि खिलाफ ऐसा निजाम जिसके बाद आप मजबूर न हो, बगैर जो उनके आप निजाम लगाएंगे तो फिर वो तो फिर सहाफत नहीं।
और सहाफत का मतलब ये है कि हकायक पे रोशनी। ऑब्जेक्टिविटी हमारे यहाँ खबरों में भी खबर का मतलब ये है कि हकायक पे रोशनी। जो दुनिया में रिवायत है कि खबर में हकायक होंगे, अगर आप अपना मौका है तो आप उससे ज्यादा पेश करें। वो मौका को हमारे एजेंडा जरूर है कि खबर के अंदर शामिल कर दिया जाता, उससे वो जो हकायक है वो पेश नहीं आते। और आजकल तो इतनी बुरी सूरत हाल है कि अभी गुड्डू पावर में ब्रेकडाउन हुआ, पूरे मुल्क में अंधेरा हो गया। वो हुकूमत ने फौरन इल्जाम लगा दिया मुस्लिम लीग पे, और मुस्लिम लीग ने जब हमने हुकूमत पे लगा दिया, और वो दो तीन दिन यही चलता रहा। वो बड़ा टेक्निकल मसला, उसमें तो माहिरीन को बनाना चाहिए था कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जो हुई और आ गई थी, उस पर बिल्कुल बहस थी। इसलिए कि वो टॉक शोज में चल गए, लोग कुछ होने लगे, जो मुस्लिम की खामी है उधर कुछ हो रहा था, जो तरीके का खामी है वो कुछ हो रहा था, और वो सारे 20 चैनल पे तीन चार दिन वही चलता रहा। किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट को नहीं बुलाया, बांग्ला के पुराने लोगों को नहीं बुलाया कि भाई बताए मुझे कि हुआ क्या था ये, और ये आज तक और दुनिया में और जगहों में भी होता है, तो वहां होता है तो वहां होते कैसे रोक, तो उसका नुकसान नहीं है कि फिर किसी दिन हो जाएगा, क्योंकि असल मसले तो वैसे ही नहीं। ये दोनों तीनों लोग आपस में लड़ते रहे और लड़ने के नतीजे में जो है इन्होंने दवाई में जाए, तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान कि आपका नेचर कैसे होना चाहिए। सारी बहस इस बात में नहीं है कि मवाद, इस पर तो हम में से कोई नहीं कि वो मवाद सही, उस पर तो बहस नहीं है हमारे से। सारी बहस ये है कि मवाद तो गलत है, मगर वो कर रहे हैं इसीलिए कि आप इस तरह का एहतजाज कर रहे हो अपने आप को। देखिए कानून भी जब बनेगा, जब आपका मैसेज को सुना जाएगा, और आपने कभी गौर किया किसी इस्लामी मुल्क में इतना एहतजाज नहीं हो, तो जब तक आप, इसका मतलब क्या है, आपको अपने बयानी को अपने हृदय मन पर गौर करना। जिसने भी इल्म को जलाया वो तो दबा हो गए। आप नहीं भी मानते है ना, तो आप तो इनको पापा देखिए, वहां किताबों की बड़ी अहमियत है, तो उन्हीं के उसमें बात करेंगे तो वो लोग आइसोलेशन में जाएंगे कि आप तो इल्म को जला रहे। उनका कहना ये था कि अपने किरदार से ये साबित करो कि तुम गलत। ये बिल्कुल सही बात है, जो भी पढ़ेगा उसको उसने मालूम मिलेगी। चले आप मत मुसलमान हो, मगर मालूम तो मिलेगी ना, इतने हंगामे तशद्दुद, इतनी बड़ी मिसाल मौजूद है, तो क्या होगा इससे, क्या मुझे बताइए कि चले जस्टिफाई क्या कर दिया मजीद इमेज खराब हुआ ना आपका, तो दबने का तस्वीर क्या है मुझे बताएं। दबने का तस्वीर ये कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की करें तो दब दबेंगे, एजुकेशन में वो आपके बता रहे उस वक्त दबेंगे, वो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और तालीम की तरक्की के बगैर नहीं दबेंगे। अगर ये आमतौर पर कहा जाता है कि 45 स्टेट्स में 47 में सऊदी अरब में और उसी जमाने में इसराइल भी डेवलप हो रहा था, तो अगर इस
सऊदी हुकुमरान इस दौलत को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कायम करते, यूनिवर्सिटियां कायम करने के लिए करते और यहूदियों के बैंकों में रखते नहीं और अपने बैंक बनाते, तो आज को पता ही होगा वॉल स्ट्रीट का डेवलपमेंट ही दूसरे की बात का है। वॉल स्ट्रीट जो न्यूयॉर्क की मीशत की वो है, वो सारा डेवलपमेंट ही दूसरे दूसरी जगह से पहले वॉल स्ट्रीट की इतनी अहमियत नहीं थी कि मुल्क की मीशत को कंट्रोल करे, और ना उस जमाने में यहूदियों की इतनी अहमियत थी, और इसराइल तो बने ही नहीं था, 48 में बना ना इसराइल। तो अगर ये हुक्मरान हमारे अपने बैंक बनाते, अपनी मीशत को तरजीह देते, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते, तो आज आपको बताया है ना जी। तो ये सोचने की जरूरत। सर, इसमें स्टेट की कितनी जिम्मेदारी है? किस बारे में? इसी हवाले से हमारे मजहब और उसका नहीं नहीं किस हवाले से कि मतलब हम इसको जो शिद्दत पसंदी को रोकने के लिए और इत्तेहाद पसंदी जो है उसको रोकने का हमारे हुकूमत हमारे स्टेट हथियार है, वो इसको अपने मकसद के लिए जब चाहे इस्तेमाल करती है, वो इसकी बेतहाशा मिसाल है। पाकिस्तानी फौज का काम ही यही कि खुद ही वो पैदा करते, खुद ही उन्होंने लंबे वाले को खड़ा किया, खुद ही खड़ाई करते, फिर दोबारा खड़ा करते, ऐसे ही बाकी उनका भी ये वो नहीं है, हमेशा से यही करते हैं। निशानी तरजीह में भी वही खड़ा करते हैं, मतलब ये तो एक अजीब गरीब खेल है ना, रियासत का हथियार है, वरना थोड़ी हो सकता है, क्या किया जाए।